Hello friends, I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel XamWinner, and today we are going to discuss a very important topic in English, and that is how you can crack SSC English. And today I am going to explain you the syllabus on a high level. This is something which I have taken from SSC CGL, but mostly jo bhi government ke exams hai, beshak wo PO hai, bank hai, IBPS hai, uske liye lagbhag syllabus har jagah same hai. So I'm just taking example from SSC CGL. So as you all know, SSC CGL consists of three parts: Tier 1, Tier 2, and Tier 3. So I'm come up here with Tier 1 syllabus. So if I talk about English, so if you recall my last lecture, वहाँ पर मैंने आपको तीन चीजें बताई थीं. पहला था, can you just remember what I told? First was understanding. Second was grammar. And third was vocabs. So these three things were most important. So that was explained on a very high level. बट आज मैं आपको बताने जाऊंगा इन डिटेल कि अगर आपको टायर वन के लिए जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसको कैसे पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं और हम कैसे उसको इन डिटेल जान सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो इफ आई टॉक अबाउट टायर वन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, तो हमारे टोटल मार्क्स होता है 50. टायर टू में लगभग सिलेबस जो है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सेम है. टायर टू में भी 200 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स. सो इन टोटल इफ यू सी टायर वन एंड टायर टू इन टोटल, इट मेक्स यू अ टोटल ऑफ 250 मार्क्स. एंड इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि आप जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज 250 मार्क्स इज अ बिग स्कोर. इफ यू आर एबल टू गेट अराउंड 200 और मोर देन दैट, ये बहुत ही अच्छा स्कोर होगा आपके रैंकिंग के लिए. So let's begin here for tier 1. So tier 1 mein 25 questions, 50 marks, and the topics that I have mentioned on a high level, these are the topics that you need to cover. So if I talk about comprehension mein maine aapko last time bataya tha, you have to understand the crux of the comprehension. What is comprehension actually trying to tell? Uska jo inference hai wo aapko samajhne ki koshish karna padega. Comprehension mein hota kya hai? Aapko ek bahut bada paragraph hoga, reading passage, बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा. पैराग्राफ के बेस पे यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब आपके पास चार ऑप्शंस होंगे. पैसेज पढ़ के आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन का क्रक्स समझना पड़ेगा. कॉम्प्रिहेंशन का इन्फरेंस क्या है, कॉम्प्रिहेंशन करना क्या चाहता है. अगेन इसके लिए आपको वोकैब्स की जरूरत पड़ेगी, आपकी वोकैब्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसका जो मीनिंग है, जो कॉम्प्रिहेंशन कहना चाह रहे हैं, वो क्रक्स आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर कर पाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट कॉमन एरर्स. कॉमन एरर्स, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कॉमन एरर्स मींस आपको कोई सेंटेंस में कोई एक मिस्टेक दिया होगा, आपको उस मिस्टेक को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स से इफ आई गिव एन एग्जांपल, सो लेट्स से आई से ही डैश टू फास्ट. So this is an example, and let's say you have 4 options: walk, walks, walking, and blah blah. So let's say you have 4 options. He dashed too fast. Now, if you study the rules of grammar, it clearly states that you cannot use walk. Sorry, let's say this is walk. So here it comes walks. So agar yahan par 4 options हमारे को, 4 में से एक सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा, यहां पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं. सो दैट इज वॉक्स. सो वॉक्स बिकम्स योर राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, एंटोनिम्स सिनोनिम्स. एज दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग व्हिच इज लाइक ऑलमोस्ट कम्स इन एवरी एग्जाम, वेदर यू प्रिपेयर फॉर एमबीए, कैट, जीमेट, एवरीवेयर. दिस नीड्स अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोकैब्स. And this is something that they purely take from Word Power Made Easy. Just an example. It may not directly come from Word Power Made Easy, but yes, काफी हद तक वहां से मैच करता है. Antonyms में क्या होता है? Antonyms में आपको एक वर्ड दिया रहेगा इंग्लिश का और आपको उसका ऑपोजिट बताना है. लेट्स से अगर मैं बोलूं कि फास्ट, तो फास्ट का ऑपोजिट क्या होगा? स्लो. सो दिस इज एंटोनिम्स. बट फास्ट इज अ वेरी सिंपल वर्ड, फास्ट कभी आएगा नहीं. This I am explaining so that you can understand. Synonyms का मतलब होता है उसका meaning, as it is meaning. Again आपको vocab बहुत strong होना चाहिए synonyms जानने के लिए. So अब हम बात करते हैं one word substitution की.
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, आपको एक वर्ड एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको सेंटेंस का एक वर्ड बताना होगा. सो लेट्स से आई गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एंड यू विल बी गिवन फोर ऑप्शंस, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. नाउ यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ दिस फोर. एज यू नो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. जूलॉजी इज द राइट वर्ड. इसको यूज कहां पे करते हैं, जनरली अगर हम कॉम्प्रिहेंशन या कोई पैसेज लिख रहे हैं एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल सेंटेंस वी जस्ट ऐड वन वर्ड इन दैट कॉम्प्रिहेंशन. तो ये उसका यूज है. तो विल स्टडी डिटेल इन डिटेल कि हम उन वर्ड्स को कैसे जान सकते हैं, कैसे पैसेज में यूज करते हैं. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बचपन की याद है, आप मुहावरे पढ़ते थे, याद है 9-2-11 हो जाना, दैट इज कॉल्ड इडियम्स, मुहावरे. So, हमने अभी तक इंग्लिश के हिंदी में idioms पढ़े होंगे, बट नाउ idioms आर idioms वी यूज इन इंग्लिश also इन our डे टू डे लाइफ. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ idioms. सो लेट्स से इन्वेस्ट वाइजली इन क्रिप्टो करेंसीज लेस्ट यू एंड अप बाइंग अ पिग इन अ पोक. सो लेट मी राइट इट डाउन हियर. सो लेट्स से आई हैव एन एग्जांपल फॉर idiom. Invest wisely in cryptocurrencies lest you end up buying a pig in a poke. Now this is very easy to understand. Invest wisely, dhyan purvak cryptocurrencies mein invest kariye ya fir warna you end up buying a pig in a poke. Now ye to samajh mein aa gaya ye, but idioms and phrases mein ye cheez bahut achhi cheez hai ki aap se agar aapko ye cheez samajh mein aa gayi to aap muhavre bhi bahut easily samajh payenge. So ab actually this is actually the idiom pig in a poke. Now what, so these muhavaras comes from our daily life. So let's say hindi mein jaise hum bolte hain eid ka chand hona. Eid ka chand hona matlab hota hai ki saal mein eid ek bar aata hai, wo chand ek bar dikhta hai, eid ka to bahut kam dikhta hai. To eid ka chand hone ka matlab kya hua, bahut kam dikhna. Koi aadmi hota hai bahut kam dikhta hai, usko bolte hain eid ka chand ho gaya. So similarly pig in a poke means, pig in a poke ka matlab ye hota hai ki ye ek aisa एक चीज होता है पिग इन अ पॉक, यू कैन सर्च ऑन गूगल, जो आपको बहुत आप उसको देख नहीं सकते पैकिंग ओपन करने से पहले. सो यू नेवर नो आपने पिग इन अ पॉक खरीद तो लिया बट अंदर से अच्छा है खराब, यू नेवर नो. तो सिमिलरली दैट इज कॉल्ड पिग इन अ पॉक. सिमिलरली यू हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज, यू नेवर नो आपका पैसा बचेगा या फिर बर्बाद हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग दिस वर्ड पिग इन अ पॉक. यू नेवर नो व्हाटएवर यू इन्वेस्टेड वो आपके पैसे लॉस में भी जा सकते हैं. सो दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड दिस वर्ड पिग इन अ पोक. सो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर इडियम्स एंड फ्रेजेस. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोज टेस्ट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो क्लोज टेस्ट इज अगेन समथिंग वेरी सिमिलर टू कॉम्प्रिहेंशन. इसमें क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में डिफरेंस सिर्फ यही है कि क्लोज टेस्ट में भी कॉम्प्रिहेंशन है बट इट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स एंड कॉम्प्रिहेंशन. सो कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर दें, लेट्स से यू हैव अ वेरी बिग कॉम्प्रिहेंशन और आपको एक स्टोरी फॉर्म में चीजें दी हुई हैं एंड विल बी गिवन सम फिल इन द ब्लैंक्स इन बिटवीन, आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स को प्रॉपर वर्ड से फिल करना है. अगेन उसको भरने के लिए आपके पास चार ऑप्शन होंगे. सो लेट्स से आई विल गिव वन एग्जाम्पल. सो लेट्स से इट वॉज raining dash people were scared to come out. So and let's say this is expanded to a very big comprehension. Now this is an example. It was raining dash. So let's say this is first fill in the blanks. First fill in the blanks mein aapko kya bharna hai, iske liye aapko agla wala पैसेज लाइन पढ़ना पड़ेगा. लेट्स से आपको यहां पर चार ऑप्शंस दिए हुए यहां पे भरने के लिए. इट वाज रेनिंग डैश एंड आपके पास ऑप्शंस हैं, इट वाज रेनिंग स्लोली, इट वाज रेनिंग हेवीली, इट वाज रेनिंग, लेट्स से टू मोर ऑप्शंस. नाउ सिंस पीपल आर स्केयर्ड टू कम आउट, इट मींस बारिश बहुत तेज हो रही थी. अब तेज हो रही थी, इसको इंग्लिश में विल नॉट से इट वाज रेनिंग वेरी फास्ट. फास्ट और हेवीली में डिफरेंस है. You have to understand the crux. Again, I told you in the last lecture, convert the rules into understanding. So understanding is more important rather than going on exact words. So yahan par pehla option mein kya hoga, it was raining heavily. I will not write fastly. Heavily is a correct word. So similarly, you will be given a big passage and you have to write the crux. You have to understand the crux of this passage
and you have to fill in the blanks. जितने भी fill in the blanks होंगे, आपको वहाँ पे proper words भरने होंगे. So this becomes part of your close test. Coming to parts of speech, ये बहुत common topic है. Parts of speech में आपको noun, pronoun, adverb, adjective, verbs, conjunctions and prepositions. ये सात चीजें पढ़नी पड़ती हैं. Interjection is also was part of parts of speech, but now it has been removed from parts of speech. So we'll study that also in detail because this is a very big topic. So maybe we can take up this in another lecture. Direct, indirect, again, you have to understand कि आप कैसे किसी दूसरे की बात को आप किसी और को बता रहे हो. So how again we are going to take this topic direct, indirect in very much in detail in maybe in some other lecture. Tenses, past, present, future tenses, इनके कहाँ पे use हैं? Mostly इन सारे exams में tenses से fill in the blanks आते हैं. और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कौन सा टेंस कहां पर कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, वो सारी चीजें हम यहां टेंसेस में देखेंगे एंड डाउन द लाइन इन कमिंग लेक्चर्स. आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन एंड द. ये तीन आर्टिकल्स को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें किसी एक सेंटेंस में, वो चीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन आर्टिकल्स. वॉइस एस यू ऑल नो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. सो आई लास्ट टाइम गिव एन एग्जांपल ऑफ do this work. So do this work is an active voice and I have to convert it into passive voice. So it makes let this work be done by you. So this becomes part of voice. So we again study in detail voice ko hum kaise samajh sakte hain. So mostly people are very scared to read some books like Renan Martin, Michael Swan. Ye books hai bahut achhi. So you don't have to study. I'll be taking those topics from these books and I'll make you understand the crux of this SSC English from those books. So, be with me. So, now we'll move to the second part, that is Tier 2. Now, we are going to discuss Tier 2 and Tier 3 in detail. So, Tier 2 consists of 200 questions, 200 marks. So, one marks each question. And syllabus ki agar hum baat kare Tier 2 ki, toh it is almost same as Tier 1. So, what is the difference? So, Tier 1 and Tier 2 act as a filtering of students in English from Tier 1. So, Tier 1 का जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन, वो थोड़ा इजी लेवल के होते हैं. बट टायर टू का जो इंग्लिश का लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है. सो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट. हो सकता है आपको टायर वन इजीली निकल जाए लेकिन इंग्लिश में आप यहां पर आकर स्टक हो सकते हैं. सो यू हैव टू स्टडी लिटिल एक्सटेंसिवली टू गेट गुड मार्क्स इन टायर टू. सो सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस पार्ट. कमिंग टू टायर थ्री, तो टायर थ्री इज अगेन इट्स अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम. सो वेयर यू हैव टू राइट इन डिटेल. सो वहां पर चार चीजें पूछी जाती हैं, एसे राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन. एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड दिस इज फॉर वन आवर एग्जाम. वन आवर, एक घंटे का एग्जाम होगा. आपको इसमें 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है. इसमें आपको ऐसे लिखना होगा. एंड द बेस्ट थिंग और द वर्स्ट थिंग आई वुड से कि टायर थ्री में आप इसको लिखने के लिए आप कोई सा भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो और इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो. बट कई लोगों को लग सकता है कि यार ऐसे लिखना है, प्रेसिस, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, आई कैन राइट इन हिंदी. लेकिन लेट मी टेल यू, हिंदी जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उस वाली लैंग्वेज में नहीं लिखना है. इंग्लिश जो लैंग्वेज है दैट शुड कंसिस्ट ऑफ गुड वर्ड्स, क्योंकि मार्क्स उसी के हैं. आप सिंपली जिस लैंग्वेज में हम बोलते हैं उस लैंग्वेज में आप लिखेंगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस. दे आर नॉट गिव गुड मार्क्स फॉर दैट. सो और लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से अगर आपको कहना है कि क्रिकेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिकेट को अगर आपको क्रिकेट को अगर हम बोलेंगे हिंदी में क्रिकेट को क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है बट दिस इज वेरी फनी. क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं गोल गुट्टम लकड़ बट्टम दे दनादन प्रतियोगिता. आई एम वेयरिंग टाई. डू यू नो व्हाट दिस टाई इज कॉल्ड इन हिंदी? दिस टाई इज कॉल्ड कंठ लंगोटी इन हिंदी. सो टू यूज दोस टाइप ऑफ वर्ड्स. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. सो लेट्स से व्हाट इज कॉल्ड रेलवे सिग्नल. अब रेलवे सिग्नल आप सोच रहे होंगे रेलवे सिग्नल को हिंदी में क्या लिखें. रेलवे सिग्नल इज कॉल्ड लोह पथ गामिनी सूचक यंत्र. सो सिमिलरली देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश व्हिच यू फाइंड दैट ओ इसका हिंदी क्या होगा. हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखना. इफ यू वांट टू राइट इन हिंदी देयर इज नो प्रॉब्लम, बट सिंस यू आर लर्निंग इन इंग्लिश सो आई वांट यू टू राइट इन इंग्लिश. यू हैव कमांड ऑन इंग्लिश एंड देन यू कैन राइट वेरी इजीली. तो अगर हम बात करें ऐसे राइटिंग की, ऐसे राइटिंग में आपको 100 या 150 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं. आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, लेट्स से टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी, या टॉपिक दिया जाएगा आपको एंटी सोशल एलिमेंट्स इन आवर सोसाइटी. सो सच टॉपिक्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू राइट एन एसे, अ कॉम्प्रिहेंशन, अ पैसेज ऑन दैट टॉपिक. देन
you have precis writing. So precis writing is you will be given a passage. Passage में आपको सिर्फ high level points दिए रहेंगे. So let's say I'll give you an example. Traveling to Manali, such a wonderful experience. Went to Ladakh from there. Had a good time. So it's a very short points आपको दिए रहेंगे and you have to explain those points in a passage. So that should be in 100 words and you have to use the very precise words to explain the small sentences in a bigger frame. So that's what we call precis writing. Letter writing and application writing. So letter writing is an informal thing. Application writing is a formal thing. Like if you want to write an application to your principal, do a letter new, that becomes part of your application. Whereas if you're writing a letter to your brother or sister or any of your relative, that doesn't become application because that is an informal thing. So that will become part of letter writing. So kul milakar hamare paas ye char cheeze hain. Best is you write this in English because you are learning English. So I hope this will become very easy for you once you start taking the lectures from here. अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम इनर सीरीज की. तो एग्जाम इनर में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, सो वी हैव थ्री थिंग्स वी आर गोइंग कंसीडरिंग हियर. सो फर्स्ट इज बेसिक्स. यू विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स, देन आई विल टीच यू हाउ टू इंप्लीमेंट दोज बेसिक्स. सो फर्स्ट यू लर्न, देन यू इंप्लीमेंट, एंड थर्ड इज, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट फाइनली वी आर गोइंग टू सेट इन एग्जाम. सो हम यहां पर एग्जाम इनर इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू टेस्ट सीरीज फॉर वॉट एवर यू हैव लर्न. So let's say you have 3 or 4 sessions and after that will be given a test series. So whatever you have learned, aapko ek test dena padega. And apart from this, when you have your final exam for English, SSC, CGL or any government exam, you examiner is also providing you test series for English. So you can take full advantage of that. And it is level wise. So let's say you were planning for tier 1, you were planning for tier 3. So accordingly, we are designing the test series. So you can take full advantage of it. So that's all from my side. I hope it was a good topic for you and I hope it will be very helpful to you. Thank you very much.